आमटी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन ऐसी नहीं, इसके लिए इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं हमने। इसके लिए हमने 1 कप चने दाल को कुकर में 2-3 सीटी तक पका लिए हैं। अब इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। अब मसाले की तैयारी करेंगे। उसमें 2 तेज़पत्ते डालेंगे, जीरा डालेंगे 1 चम्मच, और प्याज डालेंगे 2-3 कटे हुए बारीक। अब इसे प्याज को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। आपको लगेगा कि क्यों नहीं हमने पहले बनाया। इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब, और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें प्याज भी भुनेगी अच्छे से। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, नमक 2 चम्मच, 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी 1/2 चम्मच, और इन सबको अच्छे से तेल में भून लेना है। ये देखिए, अब डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच के करीब, और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है टमाटर, जो कि गांव में मिलते हैं। ये हमारी दादी नानी आमटी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रयोग करती थी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आपके क्षेत्र में ये टमाटर मिलते हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अब इसमें हम पिसी हुई दाल डालेंगे चने की। ये देखिए, अब इसमें पानी डालेंगे 2.5 ग्लास के करीब, और अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा ढक के पकाएंगे, अगर उफान आता है तो उसे आधा ही ढक्कन ढक के। और ये देखिए, आमटी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, और बहुत अच्छा टेस्ट आया है, सुगंध आई है। ये देखिए, इसमें हरा धनिया डालेंगे, और ये हमारी आमटी बिल्कुल तैयार है, स्वादिष्ट आमटी।